तुम गवाह हो जा ए आसमान के मलाइका, तुम गवाह हो जाओ ए हवाओं फिजाओ, गवाह रहना कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए जुल्म की तेज हवाओं से बगावत की है। इंशाल्लाह अजीज माँ का इश्क रसूल सुनाना चाहता हूँ। हमने किन माओ की गोदों में परवरिश पाई? मेरे मुस्तफा की एक सहाबिया एलाने जिहाद होता है, वो खातून अपने भाई को रवाना कर देती है, अपने बेटे को रवाना कर देती है, अपने शोहर को रवाना कर देती है, अपने वालिद को रवाना कर देती है। जब वो इस्लाम फतायाब होकर मुस्लिम फौजी वापस पलटते हैं, वो खातून भी मुस्तफा के उस लश्कर का नजारा करने के लिए मदीना की गलियों से बाहर निकल आती है और आकर जब खड़ी हो जाती है, हर आने वाला कोई बताता है कि खातून तेरा भाई शहीद हो गया, दूसरा सहाबी बताता है खातून तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तीसरा बताता है खातून तेरा वालिद भी शहीद हो गया। मगर वो आज के मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा की सहाबिया, वो जज्बाए ईमान से सरचार होकर कहती है, मैंने कब पूछा मेरे भाई का क्या हाल है, मैंने कब पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है, मैंने कब पूछा मेरे वालिद का क्या हाल है, मुझे कोई ये बताए मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। कहती है अगर मेरा वालिद भी बच के आ जाता, मेरा बेटा भी आ जाता, मेरा भाई भी आ जाता, मेरा शोहर भी आ जाता, मेरे करीम मुस्तफा को कुछ हो जाता तो मैं समझती मेरा कुछ नहीं बचा। अगर मेरा सब कुछ लुट गया, मुस्तफा सलामत है तो हमारा सब कुछ सलामत है। अपना गम गुस्सा पूरी दुनिया तक पहुंचाना है और आपका गम गुस्सा पूरी दुनिया तक इस वक्त पहुंच रहा है, थोड़ी देर बाद जब जुलूस रवाना होगा बाकायदा यहाँ से ऐलान किया जाएगा और आपने बिल्कुल आराम के साथ चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून के साथ चलना है और कोई शख्स जो है वो फुटपाथ पर नहीं चलेगा। जितने हजरात भी जुलूस के हाजरीन हैं वो सड़क के ऊपर चलेंगे, पास फुटपाथ के ऊपर कोई कदम रखना गुनाह समझे उस वक्त जब जुलूस के आगाज का यहाँ से लाभ किया जाएगा। अल्लाह पाक आपके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको इस्लाम का सच्चा बेटा बनाए, अल्लाह पाक आपके सच्चे से इस्लाम का परचम बुलंद फरमाए, पाकिस्तान के बहुत बकरार को बहाल फरमाए। नारे तकबीर, अपने नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, अजपाल नबी के दीवाने।